देखिए voicepk.net का स्पेशल वेबिनार बहुत हो गया। Let's fight rape. लॉज तो हमारे पास ये एग्जिस्ट करती हैं, तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते हैं? हमारे मुल्क में बहुत सारी लेजिस्लेशंस के अंदर जो चाइल्ड एज है वो वेरी करती है, सेम फॉर द सेम थिंग फॉर द सेम जॉब मेल एंड फीमेल की जो एजेस हैं उनमें फ़र्क है। तो उसमें मैंने ये कहा था कि एक तो अर्ली मैरिजेस के लिए उसको रोकने के लिए कि निकाह नामे के अंदर आईडी कार्ड शुड बी कंपल्सरी। हमारे यहाँ कानून बहुत ज़्यादा हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉब्लम है अक्रॉस द बोर्ड, और बिलखसूस मैं कहूँगा जहाँ औरतों के मसाइल का हवाला है। मैं समझता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज उसमें बहुत फ्लॉज हैं। वी आर एबल टू डायग्नोज सर्टन एरियाज के लॉ एनफोर्समेंट में हमें बार बार यही शिकायत आती है, और मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करती, बिकॉज पुलिस रिस्पॉन्स इन 99% ऑफ द केसेज ऐसा ही होता है। देर इज एपथी, देर इज विक्टम शेमिंग, विक्टम ब्लेमिंग, स्लट शेमिंग, एवरीथिंग गोज ऑन। अगर 12 साल की बच्ची है और 40 साल जिस तरह फरा शाही और ये मारिया वाले केसेस में बड़ी उम्र के आदमी है तो वो साथ खड़े होते हैं तो प्रेशर में कह देती है मेरी मर्जी से हुआ है, तो जज की डिस्क्रेशन होती है, वो कहते हैं चलो जी नेक नाम हो गया, एक तो वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट कर गई, ऊपर से उसकी निकाह नाम हो गया तो वो अबडक्टर के साथ भी है। तो ये सबसे बड़ा लकूना है लॉ के अंदर। आसमा जाएंगे लीगल एड सेल के प्लेटफॉर्म voicepk.net से आप सबको खुशामदीद। आपने हमारा वेबिनार बहुत हो गया लेट्स फाइट रेप ज्वाइन किया। मैं हूं असरा हक और मैं आज मेरे साथ है सीनियर तज्जियाकार और सहाफी मिस्टर राशिद रहमान। फोर्स कन्वर्जन्स में एक ये एक इशू ज़रूर आता है कि जब छोटी बच्चियां भी इन्वॉल्व हो जाती हैं जिनकी वो फोर्स कन्वर्जन करके और फिर उनसे शादी की जाती है, एक निकाहनामा तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद निकाहनामा के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। एक अब जैसे फरा शाहीन का केस था, 12 साल की लड़की है, बेफॉर्म भी था, सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट भी था और उसकी एज प्रूवन थी कि वो 12 साल की, लेकिन क्योंकि एक निकाहनामा प्रेजेंट कर दिया गया था तो उसको वापस अपने रेपिस्ट के कस्टडी में दे दिया गया था। इनिशियल जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी तो ये कुछ जो हमारे लिए फोर्स कन्वर्जन्स के ऊपर जब बातें होती हैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज कहती हैं कि इसको एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट आप देखा करें। ये जब ये रिलीजियस एंगल आ जाता है उससे है ना फिर जो ये लड़कियों का और स्पेशली जो ये फोर्स कन्वर्जन के केसेस में जो ये बच्चियां उठाई जाती हैं और उनकी शादी करवाई जाती है, उनका निकलना शादी से अपने रेपिस के हाथ से निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सिंध में एक इलाका है थर जहां बहुत से हिंदू बसते हैं और उनकी बच्चियां जो हैं उनके साथ भी ये फोर्स कन्वर्जन और इनफोर्स निकाहनामा और ये सारा जो मसला है कई सालों से हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं और केसेस सामने आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो बड़ा है लेकिन कुछ ग्रुप्स ज्यादा वल्नरेबल हैं और उनको ज्यादा शायद मदद की जरूरत। मैम ये फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिलिब्रेशन हुई है, बहुत दफा माइनॉरिटी कम्युनिटी ने कहा है कि इस तरीके से हमारी लड़कियां किडनैप होती हैं, इनका रेप होता है जब मैरिज ही नहीं वैलिड उनकी, जब निकाहनामा अक्सर जाली होता है तो फिर क्यों उनको अपने रेपिस के उनके हाथ में भेज दिया जाता है? लेजिस्लेशन ऐसी क्यों नहीं है जिससे आप फोर्स कन्वर्जन को एड्रेस करें? देखिए असरा, ये बड़ी मेरे लिए एज ए लेजिस्लेटर और फीमेल लेजिस्लेटर की हैसियत से ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि अगर हमारे मुल्क में किसी असम्बली में भी इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं है, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे नॉलेज में ये बात पहले नहीं थी। और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये मैं कमिट करती हूँ कि मैं इधर पंजाब में तो ये मैं करूँगी, लेकिन आई रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम इसको फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी इसको लेके आए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेजिस्लेशन इसमें ये जो मुझे अभी समझ आई है इतना ही किसी औरत का किसी बच्ची का कह देना काफ़ी है कि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया और ये निकाहनामा उसकी अपनी ही गवाही काफ़ी है। और ये तो चीज़ आपके इस्लाम के अंदर ये राइट तो हम सबको एज ए अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें तो ये मेरा किसी का भी किसी मुस्लिम नॉन मुस्लिम का पहला राइट है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इस तरह के केसेस में जो बच्ची है शी इज द विक्टिम, उस वक्त किन सरकमस्टांसेस में
वो गई या उठाया गया, इफ शी सेइंग सो तो इतना काफी है उसके लिए। अगर वो ये कह रही है कि मैं इसके साथ मैंने निकाह भी नहीं किया, मैंने इस्लाम भी कबूल नहीं किया, तो फिर उसके बाद पीछे गुंजाइश क्या रह जाती है? हु विल कम, क्या फरिश्ते या कौन आएंगे? तो भाई बड़े लोग आप कह रहे हैं, आप हमारे खानदानों की औरतें इस तरह की बातें नहीं करती। दूसरी बात, फिर जब मैं फिर भी बाज नहीं आई तो आई वाज टोल्ड कि सारे जो मजहबी तबके हैं वो तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले तो ये औरतों के राइट्स के लिए, औरतों के राइट्स के लिए जो खवातीन आवाज उठाती हैं उनको भी ये प्रेशर सोसाइटी से आते हैं मर्दों की तरफ से कि ये कोई अच्छी औरतें काम नहीं करती। सो बहुत अभी तो मैं कहती हूँ अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, लेट मी टेल यू वन थिंग। फिर उसमें मैं एक जरूर आ चुके, हमारा ये एक इनर सा फोरम है कि उसमें कुछ खवातीन जो ब्लेस्ड थी या जिनको अपॉर्चुनिटीज मिली जो सो कॉल्ड वुमेन राइट्स के लिए जिन्होंने आवाज उठानी थी, वो बेसिक राइट्स जब आपके मुल्क में, अभी मैं एक लेजिस्लेटर और मैं बहुत, मेरे मियाँ ने मुझे फुल एम्पावर किया हुआ है, मैं ब्लेस्ड फैमिली से हूँ, लेकिन जिन जिन चीजों का, तकलीफों का मुझे सामना करना पड़ता है अगर मैं वो बताऊं तो शायद मैं एक दिन भी ना निकल पाऊं। औरत को साबित करना होता है, औरत को अपने मद्दे मुकाबल खड़े हुए मर्द को आज भी साबित करना पड़ता है, और नलायक निकम्मे मर्दों को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, और वो उनको देयर प्रिविलेज्ड वन बिकॉज क्योंकि वो मर्द हैं। तो हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि पहले हम जितने भी लोग जो इस तरह के इश्यूज पे के ऊपर कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हमें अल्लाह ने ये रोल दे दिया है तो हम उसमें कम अज कम कुछ ऐसा कर जाए कि इम्पैक्ट आए आपकी जो सोसाइटी के अंदर, जो खातून बैठी हुई है उसको उसका फायदा कितना हुआ। यस यस, मिस फौजिया आपके पास एक क्वेश्चन लेके जाना था ये मिस मुसर्रत की बात से। उन्होंने कहा है कि अब जैसे ये कुछ प्रिविलेज्ड औरतें होती हैं जो ये सो कॉल्ड वुमेन्स राइट्स के पर वो बात कर जाती है, सो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है सिविल सोसाइटी के ऊपर, तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि लाइक जो ये वुमेन्स राइट्स हैं उसके या फिर रेप लेजिस्लेशन में जो ये वुमेन एक्टिविस्ट का स्पेशली किस हद तक रोल था, और डू वी ऑलवेज नीड एलाइज जो मेल पॉपुलेशन हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये याद कराना चाहूंगी कि रेप हो या कोई भी और जुर्म हो, उसका सदभाव करने के लिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रियासत की होती है। ये रियासत का काम है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे, चाहे वो औरत हो या बच्चा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, रियासत ने अगर उसको एक शहरी माना है तो ये उसका काम है उसको प्रोटेक्ट करना। सिविल सोसाइटी या वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट का काम सिर्फ ये है कि इशू को हाईलाइट करना कि मसला क्या है, और उसके बाद वो जब उठा लेती हैं अपनी आवाज़ तो फिर रियासत ने उस पर डिसाइड करना होता है कि इसको कैसे करना है, डील करना है। वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट का जो मैं समझती हूँ सबसे बड़ा रोल रहा है, जिसके लिए हम वुमेन्स एक्शन फोरम और आसमा जहांगीर जैसी खवातीन का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, उन्होंने जब परवेज मुशर्रफ साहब की हकूमत में, सॉरी इससे पहले जियाउल हक साहब की हकूमत में, रेप को रेप को अडल्ट्री के साथ जोड़ दिया गया और रेप को उसी तरीके से डील किया गया जैसा कि अडल्ट्री होती है या सेक्स विद कंसेंट होता है, और उसकी सजा में कोड़े और बहुत सारे और जो सजाएं थी वो रखी गई, तो खवातीन ने फिर आवाज़ उठाई कि ये जब रेप और अडल्ट्री को आप इक्वेट कर रहे हैं तो आप जो एक जिस पे जुल्म हो रहा है मजलूम को एसेंशियली प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, और वो कितने साल, कई दहाइयां आवाज़ उठाने के बाद 2006 में वो कानून ओवरटर्न हुआ और रेप के लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी कि उस पर देखा गया कि एक तो कि क्या सर्कमस्टांसिस थे, और दूसरी बात ये कि वो जो ज़रूरत थी कि चार गवाह लेके आए वो ख़त्म हो गया। तो एक तो मैं आपको ये बात याद कराऊंगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। दूसरी बात, मैंने पहले कहा था मैं फोर्स्ड कन्वर्जन के इशू पे दोबारा से आना चाहती हूँ। देखिए, अग्री कि इस वक्त फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर हमारे पास कानून नहीं है, मगर साथ ही साथ हमारा आइन भी तो आपको बगैर रंग, नस्ल, मजहब, जेंडर सब के बराबर का शहरी मानता है ना, आर्टिकल 25 आपको मानता है।
वो बल्कि आर्टिकल 25-2 में तो खवातीन और बच्चों के लिए खसूसी मेजर्स भी रखे गए हैं कि देर इज नथिंग दैट स्टॉप्स द स्टेट फ्रॉम टेकिंग स्पेशल मेजर्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो भी आपके पास है। साथ ही साथ रियासत ने बहुत सारे मुआहदे साइन किए हुए हैं जिसमें सीडो है जो कि एक कन्वेंशन है फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसके साथ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को आपने साइन किया हुआ है, कई और बैन अल-अक़वामी मुआहदे आपने साइन किए हैं जिसके तहत फोर्स्ड कन्वर्जन, चाइल्ड मैरिज, एनी काइंड ऑफ फोर्सिंग अ वुमन इनटू मैरिज इज डिसअलाउड। पीपीसी में देर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस अगेंस्ट फोर्स्ड मैरिज, वी कैन यूज ऑल ऑफ दोज, हम वो सब के सब इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सिंध में जब 12 साल की बच्ची का वो एक और केस में हुआ कि जी बच्ची की शादी हुई है तो क्यों नहीं जज साहब ने ये देखा कि व्हाई वाज ही फोकस्ड ऑन द फोर्स्ड कन्वर्जन एस्पेक्ट एंड नॉट द फैक्ट दैट शी वाज अ चाइल्ड। इन केसेस में भी आप देख रहे हैं कि लड़की के बच्चा होने का तो कोई देखा ही नहीं जा रहा। तो 16 साल तो पंजाब में भी उम्र है ना, 18 साल तो सिंध में भी उम्र है, बाकी भी सूबों में 18 और 16 साल है, उसका तो इतलाक किया जाए ना, उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन की जाए सबसे पहले, देन वी कैन टॉक अबाउट अदर इश्यूज आल्सो एंड रिलीजन का भी मसला। और बाय द वे ये मसला गंभीर इसलिए है कि जब सिंध में फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर कानून फ्लोट हुआ तो वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि थोड़ा सा रिलीजन के साथ की वजह से मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। मगर मैं मेरी बात का मकसद ये है कि जो एग्जिस्टिंग कवानीन मौजूद हैं उनको इस्तेमाल कीजिए और बच्चियों को बचाएं, चाहे वो मुसलमान हो या वो हिंदू हो या वो ईसाई। थैंक यू सो मच मैम। राशिद जमान सर, आपके कोई ऑब्जर्वेशंस? एक तो जैसे मुसर्रत बीबी ने कहा, बहुत से मर्द जो हैं हमारे मुआशरे में नकम्मे हैं, नकम्मे इस हवाले से हैं कि उनको ना समझ बूझ है बात की और ना उनके एटीट्यूड जो हैं वो 21वीं सदी के मुताबिक है। लेकिन सारे नकम्मे नहीं हैं, थोड़े से बेहतर भी हैं। बिल्कुल नहीं कहा। दूसरी बात, अच्छी औरत क्या होती है? मुआशरा ऐसी औरतों को जैसे आपने फरमाया मना करती है कि इस किस्म की बातें ना करें क्योंकि ये एक अच्छी औरत को जेब नहीं देता। लेकिन अच्छी औरत मेरी नज़र में वो है जो जुल्म और इस्तेसाल के खिलाफ आवाज उठाए, वो है अच्छी औरत। और अगर मुआशरा मना भी करे तो मना ना हो उससे, मैं समझता हूँ वो है अच्छी औरत। अब जो फौजिया बीबी ने बात की, एक मैं श्योर नहीं हूँ उस बारे में, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो जैसे आपने फरमाया ज़ियाउल हक का कानून जो है वो ओवरटर्न हुआ 2006 में और 4 विटनेसेस वाला जो मामला है वो ख़त्म किया गया, और जहाँ तक मेरी इतला है शायद डीएनए टेस्टिंग की बात भी जो है वो सामने आई है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक तरीका है प्रूव करने का कि एक्स वाई जेड जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको कटारे में खड़ा किया जाए। बात यह है कि स्ट्रगल ये बड़ी लंबी है, क्योंकि पेट्रियार्की का नाम मैंने लिया लेकिन ये नहीं कहा कि हजार हा साल पुरानी है, तो हमारी जड़ों में है, हमारे गिट्टों में है, हमारी नासों में है। इसको तब्दील करना, इसको ओवरकम करना इंतहा की जद्दोजहद की ज़रूरत है। जिक्र आया कि औरत मार्च हुई और लोगों ने बहुत ट्रोलिंग की, औरतों को बुरा भला कहा, गालियां दी, ये जो माइंडसेट है इसी की बात बार बार हम कर रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं है कि औरत के ऊपर इस मुआशरे में क्या बीतती है। अगर आपको अंदाज़ा थोड़ा सा भी हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंसान इतना ही बुरा क्यों ना हो वो इसके लिए खड़ा नहीं हो। आप सोचें कि एक इतनी छोटी बच्ची को जब आप इतना बड़ा उस पर बोझ डाल दें तो उसकी यानी बचपन और उसकी जवानी दोनों आपने उससे छीन लिए। और जैसे कहा मुसर बीबी ने, फिर 18 साल की उम्र तक 6-7 बच्चे उसने पैदा कर दिए, वो हेल्थ हैज़र्ड भी है, वो उसकी ज़िंदगी को तबाह करने के मुदरातिब भी है, मैं समझता हूँ उसकी जवानी को, और इंतहा का जुल्म है। एक बात तो ये कहनी थी। दूसरा ये कि देखिए, मैंने पहले कहा कि लड़ाई ये बड़ी ज़बरदस्त है, करनी पड़ेगी, इसके बगैर शायद मुमकिन नहीं कि हम हालात जो हैं उनको तब्दील कर सकें।
लेकिन मेरा देरीना ये ख्याल है, गलत हो सकता है, कि औरतें बिल्कुल, औरतों को खड़ा होना चाहिए अपने हकूक के लिए और मैं पूरी तरह उनको सपोर्ट करता हूँ। इसी थ्रेड को मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। लॉ की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, दोनों की तरफ से यही एक मुतालबा है कि हमारे पास लेजिस्लेशन काफ़ी है, इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही। इम्प्लीमेंटेशन तब हो पाएगी जब हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सीरियसली कंसिडर करें इस चीज़ को। एंड ये मिस मुसर्रत के लिए मेरा क्वेश्चन है ऑन बिहाफ ऑफ लाइक आर एक्टिविस्ट, आर लॉयर्स, जो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कितना आसान है, इज इट ये रियलिस्टिक भी है कि आगे कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की जाए जो इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करे और ये इंश्योर करे कि जो ये बच्चियां हैं हमारी, ये रेप से महफूज रहे। असरा, क्यों नहीं, ये रियलिस्टिक है और ये तो हमें इस पे हर सूरत करना ही है। और मुझे ये बताएं कि हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या अगर हम आज भी अपनी बच्चियों को, एंड आई एग्री विद फौजिया बकार साहिबा कि ये रियासत का काम है प्रोटेक्शन देना, और जो सारे जो जितने भी जो रियासत के शहरी हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत तेज़ी से हम, जैसे ज़ैनब अलर्ट बिल का आना बड़ा खुशाइंद है, फिर जो औरतों को विरासत में हिस्सा मिल जाना, फिर अब उसके बाद सोसाइटी का जो रियल इश्यूज़ है तो उनके ऊपर सेंसिटाइज होना, जो कि बहुत है। और फिर मैंने तो ऐसी कोई एम्पावर्ड औरत नहीं देखी जो इन इश्यूज को लेकर के सेंसिटिव ना हो। और फिर एज ए लेजिस्लेटर भी हम हर वक्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शायद लगता है कि आवाज़ नहीं उठाई जाती, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको अर्ज करूँ कि इस दफ़ा जो लीडरशिप है वो रियली एक जो बैलेंस्ड मुआशरा है। याद रखें कि अभी आप अपनी नेबरिंग कंट्री में देखें कि देवर क्लेमिंग कि वो सुपर पावर बनने जा रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमसे बहुत बेहतर थे, और थ्रू देयर मीडिया उन्होंने जो अपनी एक पिक्चर पेंट की हुई थी। लेकिन जब आपके मुल्क के अंदर जो बेसिक राइट्स हैं, तमाम जो आपके जो सोसाइटी के जो से जो बिलोंग करते हैं, जैसे माइनॉरिटीज, सब लोगों को राइट्स नहीं मिलते, पिसे हुए तबके, तो फिर आपकी इकोनॉमी, आपके पास वेपन्स कितने, आप एटॉमिक पावर है, वट एवर इट इज, वो बेमायनी हो जाता है। इंतशार जब सोसाइटी के अंदर फैलता है, वो जुल्म से फैलता है और इसी तरह की चीज़ों से फैलता है। तो उसमें आपको मैं ये अर्ज करूँ कि जो इस दफ़ा आपकी जो लीडरशिप है और आपके जो स्टेट के सारे पिलर्स की मैं बात कर रही हूँ, इट्स नॉट ओनली अ पोलिटिकल गवर्नमेंट, आपके जो जुडिशरी, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, सारे इस एक इशू के ऊपर एक पेज पे हैं कि हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को आइडियल किस्म का तहफ़ देना है। अगर वो हम नहीं देते तो हम बचते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह इसको अब ज़रूर हम इसको हाईलाइट भी करेंगे, और इसके ऊपर आगे जो हमारी विमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एंड देन ह्यूमन राइट्स का भी इसमें बड़ा अहम रोल आता है, एंड डॉक्टर शीरी मजारी, शी इज़ वेरी एक्टिव लेडी, तो उनके साथ भी मैं इन तमाम इश्यूज को हाँ जी मुसर्रत साहिबा, इट इज़ वेरी गुड टू हेयर एंड वेरी हार्टनिंग टू नो कि आप लोग सारे एक पेज पे हैं, यू नो, रिलीजियस इश्यूज पे, रिलीजियस इंटॉलरेंस पे, और ये जो इंटरफेथ हार्मनी की बात की। लेकिन थोड़ा सा अगर ये देखें कन्वर्जन, अगर आप प्रोफाइल चेक करें तो क्यों ये हमेशा 18 साल से छोटी बच्चियां होती हैं? मैं ख्याल है 2020 के स्टेटिस्टिक्स जो इनफॉर्मल, जिस तरह फौजिया ने कहा कि हमारे बड़ा इशू है डेटा का, कि हमारे पास yes, डेटा जो एक मुकम्मल डेटा है वो हमारे पास नहीं मौजूद है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है रिलीजियस माइनॉरिटीज पे काम करती है, 162 कन्वर्जन केसेस हुए हैं, सिर्फ बच्चियां, एक बड़ी औरत या एक क्यों नहीं कन्वर्ट करता, हमेशा एक कम उम्र लड़की क्यों कन्वर्ट करती है? इसकी जनरलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आप लोग उस पेज पे हैं और आप लोगों में इतना वो है, अग्री करते हैं, तो आप प्लीज कन्वर्जन की लेजिस्लेशन की बात करें। मैं आई जस्ट वॉन्ट टू टेल के निदा, आई एग्री विद यू, अभी ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग एंड ऑल, इसकी तो इंतहाई शदीद
जरूरत है ना, बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके अंदर इन इश्यूज को लेकर के रियलाइजेशन होना और उसको इतनी इम्पोर्टेंस देना और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने इसलिए होते देखी है कि अभी पिछले दिनों जितने भी शिया सुन्नी फसादात होते थे उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस दिखाई गई, बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद मैं जो अर्ज करूं कि डेटा इज द मेन इशू, बिल्कुल सही बात है कि जो जो केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं ना उनके ऊपर कुछ ना कुछ मंतकी अंजाम तक वो पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं स्पेशली थैंक करना चाहूंगी हमारे गेस्ट को कि उन्होंने वक्त निकाला इस वेबिनार को अटेंड करके और उनके बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स थे। एंड लास्ट कमेंट्स मिस्टर राशिद रहमान, अगर आपके कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, फाइनल ऑब्जर्वेशंस। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, मेरा ख्याल है कि ब्रॉड एग्रीमेंट है हर चीज पे। शायद जरूरत ये है कि मुसारत बीबी जैसी जो लेजिस्लेटर्स हैं, वुमेन लेजिस्लेटर्स, वो अपनी कॉलीग्स को भी मोबिलाइज करें, हो सके तो अक्रॉस द आइल भी एक वुमेन्स कॉकस बनाएं ताकि वुमेन्स इश्यूज जो हैं वो सियासत की नज़र उस तरह से ना हो जाएं और वो इन चीज़ों को प्रमोट करने में मदद। लेकिन सोसाइटी की भी जो जिम्मेदारी है, हम उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। बार बार माइंडसेट की बात की गई है, हजारों साल पुराना है, इसको तब्दील करने में वक्त भी चाहिए और बहुत इंतहा की स्ट्रगल और कोशिश चाहिए। यानी अगर मैं मुख्तसर कहूँ, बहुत हो गया, लेट्स फाइट रेप।